तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक तौर तरीके पर बात करेंगे, राजनीतिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आज बात करेंगे बीजेपी के बारे में कि इस चुनाव में बीजेपी ने टारगेट रखा है 400 प्लस। और मुझे बीजेपी से कुछ सवाल है एज ए युवा, मैं 24 साल का हूँ, एज ए युवा मेरा कुछ सवाल है बीजेपी से और बीजेपी के कुछ ऐसे मुद्दा है जिस पर बात करेंगे। तो देखिए, आज बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, हिंदुत्व के तौर पे लड़ रही है। बीजेपी को आज अगर जीतती भी है तो उनको हिंदुओं का वोट सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो कि क्लियरिटी है, साफ साफ यही है कि बीजेपी हिंदुत्व के चुनाव पे लड़ेगी या कांग्रेस अपना धर्म एक विशेषज्ञ के चुनाव पे लड़ेगी। मगर मुझे बीजेपी से आज ये सवाल है कि जो हमारे मोदी जी हैं वो सही से एक इंटरव्यू तक नहीं दिए। ये कोई खराब सवाल नहीं है, उन्होंने क्या गेम खेला? उनको आज पता है कि देश का यूथ सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा जुड़ा है, तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े क्रिएटर को बुलाए, बड़े बड़े गेमर को बुलाए। ये क्या है, क्रिएटर गेमर सोचेंगे अरे हमारे मोदी जी हमको मिलने के लिए बुलाए, इनके बारे में कैसे गलत बोल सकते हैं? क्या होता है जिसका एक देखिएगा रिश्तेदार में क्या होता है ना, हम लोग जब तक वो दूर रहता है बहुत गाली देते हैं, जैसे ही पास एक बार मिलने आ जाता है तो लगता है अरे बहुत अच्छा आदमी है। तो वैसे ही मोदी जी ने चुनावी जब माहौल आया तो उन्होंने ये गेम खेला, उन्होंने बड़े बड़े क्रिएटरों को बुला के अवार्ड देना स्टार्ट किया। आप मुझे ये बताइए, यही जो अवार्ड था पहले क्यों नहीं दिया गया, ये चुनावी माहौल ही में क्यों दिया गया? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। और जहाँ तक बीजेपी एक बोलती है कि मैं हिंदुत्व पार्टी हूँ, उसमें भी आज भारत सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। और केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। क्या आप वादा करते हैं? बड़े बड़े वादा करते हैं। मैंने तो एक जगह अमित शाह का वीडियो भी देखा मैंने, जिसमें उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग राम जी को किसने किसने, मतलब अयोध्या में जो मंदिर बना उसमें कौन कौन नहीं गया है, तो उन्होंने वादा किया कि मैं चुनाव जीतूंगा तो सबको राम मंदिर फ्री में ले जाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर तो हम भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, मेरा फैमिली भी जा सकती है, मगर मेरा सवाल ये है कि ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि मैं राम मंदिर आप लोगों को फ्री में भेज दूंगा। ये आप सब्सिडी दे दीजिए, कुछ और दे दीजिए, मैं फ्री में भेज दूंगा मतलब क्या? आप बताइए ना कि देश में हमारे युवा को रोजगार कितना मिला, देश में आज युवा की स्थिति क्या है, ये इस पे नहीं बात करेगा कोई, कोई नहीं बात कर। आज मोदी जी का इंटरव्यू आया, एक बैठे मोदी जी पहले थे सवाल देने के लिए रेडी रहते थे, आज वो सवाल देने के लिए रेडी नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि आज बीजेपी में बहुत सारी खामियां भी है जिसको वो लोग छुपाना चाहता है। बीजेपी हमको तब पसंद आता था कि जो वो अपनी खामियां को भी और बुराई को भी साथ में लेके चलता था, मगर आज बीजेपी वो नहीं कर रही है। आज बीजेपी क्या कर रही है, अपनी खामियों को छुपाना चाह रही है और जितनी अच्छाइयां ऐसी वही दिखाना चाह रही है। मैं तो सबसे बड़ा बात बोलता हूं कि अगर देश में युवा को सपोर्ट करना है इन लोगों को, तो युवा को टिकट क्यों नहीं मिलता है? हमारे देश में हर पार्टी युवा को टिकट दे के क्यों नहीं नेता बनाती है? क्योंकि उनको दिक्कत है युवा से, 100 में 1 मिल जाएंगे वो भी गलती से, वो भी अमीर बाप के बेटे होंगे या उन्हीं के बेटे होंगे तो उनको टिकट दे देंगे ये लोग, वो भी युवा नेता के तौर पे। हम उनको युवा नेता मानते ही नहीं है भाई, नेता तो वो होता है जो ग्राउंड लेवल से उठ के गरीबी को हर चीज़ को देखा हुआ वो ऊपर में जाए, तो उसको ना युवा नेता मानेंगे? क्या आप अपना एक चांदी का बेटा निकाले लॉन्च कर दिए हम लोग मान लें कि ये युवा नेता है? ऐसे थोड़ी होते हैं। तो यही सब कहानी आज के चुनाव के तौर पे। अब बीजेपी यहाँ बहुत अच्छे से गेम खेल रही है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, मगर इस चुनाव में हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि जिसको भी वोट दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, शिक्षा, नौकरी, धर्म पे वोट ना दें किसी को भी, क्योंकि धर्म हमारे देश को आज के टाइम में बर्बाद करके रखा है। ये बात हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हमारे जो पिछले जनरेशन थे, आज इंडिया बर्बाद हुआ है तो धर्म के नाम पे बर्बाद हुआ है। रियलिटी पे वोट दें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आरजेडी हो, किसी की भी पार्टी हो, रियलिटी पे वोट दें। कौन काम कर रहा है उसको वोट दें, काम नहीं कर रहा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम कर रहा है तो रखिए। और सबसे ज़्यादा मेरा लास्ट में आग्रह है कि इस बार हमारे बिहार से एक मनीष कश्यप उठे हैं, उनको जरूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का कारण ये है कि वो एक युवा है, उसको आगे आने का
एक मौका दीजिए, मेरा मानना है। या तो वो कुछ अच्छा करेगा या कुछ गलत करेगा, मगर करेगा बहुत ही अच्छा, मेरा मानना है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे बिहार जैसे देश गांव में आज युवा की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बिहार के जो युवा हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग डेवलप करने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, ना सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो नेता उठ रहे हैं उनको आप जिताइए, वोट दीजिए। बाकी देखिए 5 साल में अच्छा लगे तो रखिए, नहीं तो हटाइए। बाकी आपकी क्या राय आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।